अपने आज को कल से बेहतर बना दो बस आने वाला कल अपने आप ही बेहतरीन हो जाएगा गुड इवनिंग एवरी वन कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज की वीडियो है कि कल में हमारे क्या कमी रह गई थी कल हमने क्या कमी छोड़ दी थी उस कमी को हम कैसे पूरा करें इसका एक ही आंसर है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कि प्रैक्टिस से हम किसी भी कमी को सुधार सकते हैं और उसको सुधार कर अपने व्यवहार में लाकर अपने डेज़ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं ठीक है ना फ्रेंड्स तो पिछले एग्ज़ाम्स में या पिछले समय में पास्ट में हमसे क्या गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना हमें पता लगाना कि गलतियां क्या हुई हैं फिर उसके बाद उन पर काम करना कि गलती जहाँ हुई है उसको सॉर्ट आउट करके उसको अच्छे से देखना कि गलती कैसे सुधर सकती है गलतियों से सीख लेना ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आ, सब नहीं कर पाते हैं लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना प्रैक्टिस तो कर सकते हैं 2016 के टी में मैंने जो गलतियाँ की थी उनको मैंने 2021 में सुधारा ऑब्वियसली सुधारा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की लेकिन वहाँ भी कमी कुछ नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी दैट वॉज़ परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट प्रिपरेशन मैंने की थी लेकिन फिर भी हो सकता है रह गई हो कोई कमी क्योंकि मैं मेरे अकॉर्डिंग कोई कमी नहीं थी लेकिन हो सकता है कोई कमी हो और अब जाके मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि क्या कमी रह गई थी कमी ये रह गई थी कि मैंने नोट्स तो बहुत सारे बनाए लेकिन उन नोट्स को रिवाइज करने का मुझे समय नहीं मिला तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये गलती कर रहे हों तो प्लीज़ अपनी गलती को अभी से सुधार लीजिए नोट्स ज़रूर बनाए लेकिन शॉर्ट बनाएं और तब इतने बनाएं जितने कि हम रिवाइज़ कर सकें ठीक है ना फ्रेंड्स और कल की वीडियो में एक क्वेश्चन था आई थिंक मनीषा ने पूछा था कि आप बुक्स को कैसे पढ़ती हैं तो ये बता दीजिए मैं बुक्स को इस तरीके से पढ़ती हूँ जो भी कंटेंट होता है जैसे राइटर है राइटर का जो लाइफ सर्कल है उसको पढ़ना है तो मैं उसको एक फ़र्स्ट रीडिंग सरसरी तौर पर ऐसे देती हूँ नॉर्मली बस याद नहीं रखना है माइंड पर जोर नहीं डालना है नॉर्मली उसको रीड करना है तो फर्स्ट रीडिंग के टाइम मैं उसको जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जैसे कोई डेट्स हो गया कोई सेशन हो गया उसकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो गया आ, कोई इम्पोटेंट चीज़ें हो गई उनके मदर्स नेम फादर्स नेम या कोई ऑक्यूपेशन उनका क्या था या उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में क्या किया था ये सब कुछ तो उसको हम हाईलाइट कर देंगे साथ के साथ अगर हाईलाइट नहीं कर सकते तो अंडरलाइन कर लेंगे कुछ भी जो भी बेटर ऑप्शन आपको लगे मैं दोनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल uh, होती है हाईलाइटर हो तो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ अदरवाइज़ अंडरलाइन कर लेती हूँ तो उसी टाइम उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं सेकेंड रीडिंग देती हूँ साथ ही साथ या फिर शाम को जो एक घंटा मैं रिविज़न के लिए रखती हूँ उसमें जो दिन में मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ जैसे करते हैं तो सेकेंड रीडिंग मैं उसको साथ ही साथ देती हूँ और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके समझ के तब पढ़ती हूँ तो बुक पढ़ने का मेरा यही जो है तरीका है चाहे वो किसी राइटर का लाइफ साइकिल हो या किसी ऑथर का कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो लिटरेरी टर्म्स हो वो कैब हो या कुछ भी हो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं जो भी हमारे सिलेबस में हैं उन सबको मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ फर्स्ट रीडिंग को केवल रीडिंग के तौर पर पढ़ें ना कि याद करने के लिए मेमोराइज़ करने के लिए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम आपने उसको हाईलाइट किया तो सेकेंड टाइम आपके माइंड में थोड़ा सा रहेगा कि कि पहले जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो हमने हाईलाइट की हैं और जब आप हाईलाइट करते हो माइंड में कुछ चीज़ें आ जाती हैं लेकिन जब आप उसको दूसरी बार पढ़ते हो तो वो बहुत अच्छे से फोकस करके जब पढ़ते हो कंसंट्रेट करके पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से वो माइंड में आ जाती हैं और तीसरी प्रैक्टिस कब होती है उसके बाद जब आप क्वेश्चन यूज़ करते हो उसी कंटेंट के तब और भी पक्का हो जाता है एंड लास्ट आप जब लास्ट रिवीजन एग्जाम से पहले देते हो तो सारी चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज़ हो जाती हैं मेमोराइज़ हो जाती हैं कि क्या क्या आपने हाईलाइट किया था इस चैप्टर में इस ऑथर्स में या जो भी जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जब आप दो तीन बार आपके सामने से गुजरेंगी आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी तो मेरा यही तरीक़ा है कि बुक को मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा तो रिविजन इज मस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको रिवीजन करना बहुत 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 ज़रूरी है तो रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए 2021 में मेरे साथ हुआ कि मैंने नोट्स तो बहुत सारे बनाए लेकिन उनको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई लास्ट टाइम तक मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ बस प्रैक्टिस सेट्स मैंने यूज़ किए और नोट्स रिवाइज़ करने का टाइम मुझे नहीं मिला तो इस बार मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ नोट करनी चाहिए वो कर लेती हूँ बाकी जो भी है पुराने नोट्स को ही रिवाइज़ करूँगी और जो भी मेरे पास एक नई बुक है इसको कंप्लीट करूँगी तो इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ कि क्योंकि पिछले कल में जो मैंने गलती की वो मेरे आने वाले कल को ना बिगाड़ दे इसीलिए मैं अपने आज को सुधारना चाहती हूँ और आप सब लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो गलती आपने कल की उसको आज ना करें ताकि आने वाला कल आपके लिए बेस्ट रहे और आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ें लेकर आए सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन आपका सब्जेक्ट कोई भी हो जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही हो सभी सब्जेक्ट के एसपेरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक